नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। जन आशीर्वाद यात्रा में बारिश मुखर्जी से विराज, विरोध करने वाली पुलिस हिरासत में तो अनेक लोगों सहित पत्रकारों की भी जेब कटी, शिकायत करने थाने पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ दमोह जिले के पटेरा नगर से हुआ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समस्त वर्ग एवं समुदाय के लिए कार्य किया है एवं कर रही है। उन्होंने विकास के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पुनः भाजपा को जिताने की अपील की। इस अवसर पर सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने भी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। आशीर्वाद लेते हुए मध्य प्रदेश के लोग के लिए जन नायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आपका आशीर्वाद लेते हुए और साथ में ये आग्रह भी करता हूँ कि पटेरा नगर पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत आपने दी थी और यहाँ की जनता ने आपके उस उपहार को लेकर कमल खिलाकर यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत बनाई है। ये आपका दिया हुआ सौभा पटेरा नगर के लोग जीवन पर्यंत याद रखते हैं। जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए वो भी आपके आशीर्वाद से यहाँ पर सफलता से प्राप्त की है। मैं ये जरूर प्रार्थना करता हूँ भाई भाई हाथ आदर जी मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों दोनों हाथों से आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहनों भाइयों मैंने क्या जानी है, ये जनता की जिंदगी के बदलाव का अभियान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, किसान के पसीने की पूरी कीमत देंगे, सोयाबीन से लेके धान से लेके सब चीजों का समर्थन मूल्य बढ़ाए, क्योंकि किसान की जिंदगी बदलनी है, किसान का तबाह और बर्बाद नहीं होने देना। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों और गरीब लोग आज हम से कमजोर लोग वो भाई और बहन जो मजदूर। वहीं दूसरी तरफ हटा विधायक के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जमकर विरोध पर उतर आए और उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो विधायक सिर्फ चुनाव के समय ही सामने आती है, उन्होंने कोई कार्य हम लोगों का नहीं किया। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र राठौर। भूपेंद्र राठौर जी, किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ एकत्रित हुए? रोड की समस्या सर बहुत जम के हम लोगों को। कितने समय से? 6 किलोमीटर कम हुआ नहीं है रोड, 6 किलोमीटर तक का रोड बना ही नहीं है। बना नहीं सर, जगह आप लोगों ने आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हेड भी लगाए हुए हैं, गले में पट्टा भी डाले हुए हैं और पार्टी की सरकार है और आप ऐसी मांग रख रहे हैं, क्या कारण? हम लोगों को दुखित होते हैं, बहुत घटना घट जाती है, हम लोगों को रात में कोई दिक्कत भी हो जाती तो कोई साधन नहीं है, चारपाई पे ले जाना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, यहाँ भी आपका विधायक है और उसके बाद आप लोग एक ज्ञापन लेकर यहाँ खड़े हैं। सर हम लोगों का काम नहीं हुआ तो हम लोग इसलिए हमारे हमारे मामा जी हमारी बात सुनेंगे वो समस्या का हल। आप लोगों ने विधायक को या अन्य जगह पे भी कोई दिया है? सुनवाई नहीं, विधायक को भी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए, भी निकल चुका और पेपर भी निकलवाया था। आपके यहाँ के विधायक कौन है? उमा देवी खटीक आपके यहाँ आती नहीं है? नहीं आती, वोट मांगने वाला। अभी हमने परसों को दिखाया था वीडियो अपने मोबाइल से, बोल देते सरपंच से बोल देना, उसमें 3 पंचायत जुड़ी है, कौन कौन सर सरपंच से बोले? अगर मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या योजना है आप लोगों की? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। मैं लल्लू साहू ग्राम खमालिया का निवासी, मेरे गांव में ना तो बच्चे आ सकते हैं पटेरा तक पढ़वे को, बाजार आना है तो पैदल कपड़ा उतार के आता हूँ,
कितने किलोमीटर का मार्ग? यहाँ से है 7 किलोमीटर खमाजिया, उससे आगे 2 किलोमीटर आगे रेवंजा गांव है, वहाँ भी कच्ची यही सड़क है। इस संबंध में आप लोग यहाँ पे पूरे लोग खड़े हुए हैं, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं आप जी हैं, और वोटर होने के बावजूद भी आप सड़क पे खड़े हुए हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही सर, जो विधायक जी आते हैं, जिला सदस्य आते हैं, कहते हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए दोषी विधायक आपके? विधायक और यहाँ के जो चुने हुए सदस्य हैं, हम तो जनता है। चुनाव के टाइम पर आते विधायक जी, एक सेकंड फिर से आपके लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर हटा विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान के रथ के सामने खड़े हो गए। वहीं वक्त की नजाकत को समझते हुए शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल ही घोषणा कर दी कि कार्य हो जाएगा, भाजपा को जिताइए। क्या बंधने के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार ने भी लोगों से चर्चा की, समाधान निकालने का प्रयास किया। अमो जिले के पटेरा नगर में लगभग 1 घंटे रुकने के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला हटा नगर की ओर प्रस्थान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा पटेरा नगर से निकलकर हटा नगर में प्रवेश की। रास्ते में पड़ने वाले समस्त मार्गों में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित किया तथा भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले हमने विकसित फिर विकासशील तथा अब समृद्धशाली मध्य प्रदेश बनाने का सपना लेकर आपके बीच में आए हैं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनवाए। शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की रणनीति कांग्रेस की उस समय धरी की धरी रह गई जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान तीसरा मामला सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं सहित पत्रकारों के जेब कटने का सामने आया है, जिसको लेकर हटा पुलिस थाने में जेब कटों से प्रभावित हुए लोग एवं पत्रकार पहुंचे, जो पुलिस से FIR करने एवं कार्रवाई करने की मांग लगातार करते रहे। ये सुनते हैं जिनके जेबों पर जेब कटों ने हाथ साफ किया,
और जो लोग प्रभावित हुए वह क्या कहते हैं। स्टेज से सीएम साहब को रथ तक छोड़ने जा रहे थे, उस बीच में हमारे पार्षद मनीष जैन, ब्रजेंद्र पार्षद, उसके 2000, मनीष के 25,000 रुपये और अन्य हमारे पत्रकार भाइयों के भी जेब कटे हैं, जो हम VIP व्यवस्था में थे हम लोग। कितने पैसे थे और क्या क्या था आपके पास? हमारे पास नहीं, हमारे मनीष भाई के जेब कटे हैं और उनके 25,000 के करीब अन्य डॉक्यूमेंट थे, ATM है, पैन कार्ड है, जरूरी सामान। पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था क्या वहाँ पे? नहीं, पुलिस प्रशासन मौजूद था, चारों तरफ पुलिस प्रशासन था, बड़े बड़े अधिकारी लोग थे। इतनी सुरक्षा के बाद आखिर कैसे सेंध लगा दी इन लोगों ने? कैसी व्यवस्था है नहीं बता सकते। बताएं क्या हुआ? मेरा पास CM की सभा में जब हम छोड़ने जा रहे थे CM को, वहाँ से चोरी चला गया है लगभग 25,000 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और परिचय पत्र, सब कुछ, पूरे हमारे डॉक्यूमेंट थे उसमें, हमारी फोटो भी रखी और फ्री डॉक्यूमेंट रखे थे, लगभग 25,000 रुपये सही पर्स चोरी चला गया। कितने लोगों के चोरी हुए हैं पर्स? कितने लोगों के पर्स कटे? बहुत लोग चिल्ला रहे थे कैसे चोरी है, पर्स चोरी है, कई लोगों के पर्स गए, कई के पैसे निकाले। ये किस जगह पे कटे आपकी? रथ के पीछे तरफ, रथ से मतलब आ रहे थे तो रथ तक जब मुख्यमंत्री चढ़े थे उसके पास में ही समझो आप वहीं। क्या नाम है आपका? मनीष जैन है। बताइए आपके साथ क्या हुआ है? ये जैसे ही मैंने ज्ञापन दिया, ये सड़क के विषय में, तो ज्ञापन देते समय मैंने ज्ञापन वहाँ दिया मुख्यमंत्री जी को, तो पीछे से किसी ने पर्स निकाल लिया, उसमें मेरे 1200 रुपये और पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र और कीमती डॉक्यूमेंट्स उसमें रखे हैं, निकाल लिए। क्या करते हैं? मैं बजरंग सेना नगर अध्यक्ष हूँ। नितिन शर्मा। पुलिस थाने में देर शाम तक लगातार यही हंगामा चलता रहा कि FIR हो और चिप कटों पर कार्रवाई हो। ताजातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।